नागरिकता संशोधन कानून को मोदी सरकार पड़ोसी मुल्कों में अत्याचार सह रहे अल्पसंख्यक लोगों की मदद करने वाला कानून बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला काला कानून करार दे रहा है। इसी बीच जब गायक अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई तो सियासत में बवाल मच गया, जिसे लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहा है और इसे काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग भी की जा रही है। चारों तरफ मुखालफत की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर सीएए को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि अगर अदनान सामी को भारत में पद्मश्री मिल सकता है तो पाकिस्तानी मुसलमानों को सीएए के तहत पनाह क्यों नहीं दी जा सकती है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी को जब बीजेपी सरकार नागरिकता और पद्मश्री से सम्मानित कर सकती है तो फिर जुल्म ज्यादती के शिकार पाकिस्तानी मुसलमानों को वहां के हिंदू सिख ईसाई आदि की तरह यहां सीएए के तहत पनाह क्यों नहीं दे सकती है। केंद्र सीएए पर पुनर्विचार करे तो बेहतर होगा। आपको बता दें कि सीएए के मसले पर लगातार मायावती केंद्र की आलोचना कर रही हैं। बीएसपी की ओर से कहा गया है कि वो पीड़ितों को नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्म के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही है उसके खिलाफ है। ऐसे में अब उन्होंने अदनान के बहाने एक बार फिर केंद्र से सवाल किए हैं, जिसके बाद देखना ये होगा कि खुद को पड़ोसी मुल्कों के पीड़ितों का मसीहा बता रही केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।